आइए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय कुमार और संजय मिक्सटेक में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में आपको ग्राइंडर की एक ऐसी कमी के बारे में बताते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। ग्राइंडर मशीन की सर्विस करते समय सब कुछ सही से फिटिंग करने के बाद एक अजीब सी आवाज़ आती है, कभी कभी वो पहचान में नहीं आती है। उसकी गरारी भी सही होती है, बैरिंग भी सही होती है, आर्मेचर फील्ड भी सही से वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ कुछ देर बाद या कुछ समय बाद अपने आप बंद भी हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जब वो आवाज़ आती है तो उसको आप पकड़ नहीं पाते हो। आखिर ऐसी क्या बात होती है कि वो आवाज़ आती रहती है, इसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। ग्राइंडर मशीन में आज जो आवाज़ के बारे में बता रहा हूँ, यह आवाज़ इसके हेड से आती है। इसको हम हेड बोलते हैं, जिसमें गरारी भी होती है, बैरिंग भी होती है और ये ग्राइंडर का मेन हिस्सा होता है जिससे हम वर्किंग करते हैं। तो इसको आपको बताने के लिए सबसे पहले हम इसको, ये जो चार नट लगे हुए हैं, इनको खोलते हैं, उसके बाद अंदर की थ्योरी आपको हम समझाते हैं। देखिए आप इस तरह से हम खोलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा जूम करें। इसकी ये गरारी बिल्कुल सही से है, इसके जो इसमें टीथ हैं ये सारे टीथ एकदम सही से वर्किंग कर रहे हैं, ना तो कोई क्रैक है ना इसमें कोई स्क्रैच है। आप ये देख लीजिए अंदर वाली गरारी के टीथ भी, आप ज़रा जूम करके दिखाएं, इसके टीथ भी एकदम सही से हैं। इसके बाद भी कभी कभी आवाज़ आने लगती है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो हमारी इसमें हम सर्विस के बाद ग्रीस भरते हैं, ज़रा जूम करें, ये जो ग्रीस भरी हुई है, इस ग्रीस को कभी इस लेवल से ज़्यादा ना भरें। ऐसा ना सोचें कि ज़्यादा ग्रीस भरने से यह बहुत समय तक चलेगी। क्या होता है, इसमें हम जो ग्रीस लगाते हैं, अगर इसमें हम ज़्यादा ग्रीस लगा देंगे तो जिस समय ये ग्राइंडर अपना वर्किंग मोड पर होता है और ये गरारी मूव करती है तो उसमें एयर का प्रेशर भी आता है, और एयर प्रेशर आने से जब हम ग्रीस ऊपर तक पूरा लेवल उसमें भर देंगे तो उसको चलने के लिए जगह नहीं मिलती है और एयर का प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। इस कारण से हमारा ग्राइंडर ज़्यादा ग्रीस भरे जाने के कारण भी आवाज़ करने लगता है। आप यह बात बिल्कुल ध्यान से समझ लें, इसमें जो ग्रीस भरी गई है इसको लेवल को देख लें, यह सही लेवल है ग्रीस भरने का। अगर आप इससे ज़्यादा ग्रीस भरेंगे तो ग्राइंडर आवाज़ करेगा, जब तक कि ग्रीस जो एक्स्ट्रा ग्रीस है, ओवर ग्रीस है, जो ज़्यादा आपने भर दी है, वो जब तक हट नहीं जाती है, ग्राइंडर से निकल नहीं जाती है। और इसका एक और गलत परिणाम ये होता है कि ग्रीस फिर हमारे ये जो हेड है, हेड के चारों तरफ से निकलने लगती है। जब हम इस ग्राइंडर से वर्किंग करते हैं तो हमारी जो ग्रीस है वो चारों तरफ से निकलने लगती है, और जब तक ये ग्रीस जो ओवर हमने ग्रीस भरी है वो अपने लेवल में नहीं आ जाती, जब तक ये आवाज़ करना बंद नहीं करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही बताऊँगा। आप जो ग्रीसिंग करें, ग्रीस को ज़्यादा ना भरें, ऐसा ना समझें कि ज़्यादा ग्रीस भरने से हमारी मशीन ज़्यादा वर्किंग करेगी, बल्कि उसके वर्किंग में और दिक्कत आ जाती है, वर्किंग सही से नहीं कर पाती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, ग्रीस करते समय आप जो ग्रीस करें, ग्रीस का आप लेवल फिर से चेक कर लें, ग्रीस का लेवल गरारी जो हमारी अंदर जो गरारी वर्किंग कर रही है उसके लेवल तक ही रहने दें, ना कि उसको ऊपर से भर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।